आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएससी आधार यूसीएल के बारे में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास सीएससी आईडी है और आपने सीएससी यूसीएल के थ्रू आधार सेंटर ओपन करने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन फ्रेंड अभी तक आपके से कोई भी मेल नहीं आया, ना तो आपको सुपरवाइजर आईडी मिली है, ना ही फ्रेंड आपको ऐसे ऑपरेटर आईडी मिली है। तो आईडी क्यों नहीं मिली है फ्रेंड, क्या रीज़न है और कब तक आईडी मिल सकती है? इसमें सीएससी ने एक नया अपडेट दिया जिसमें से एक लिस्ट जारी किया गया है। अगर फ्रेंड उस लिस्ट में आपका नाम है, आपको 110% यहाँ से सीएससी यूसीएल की तरफ से आपको आधार सेवा केंद्र ओपन करने के लिए यहाँ से आपको ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर आईडी दी जाएगी। सो फ्रेंड, अगर आप एक सीएससी के यहाँ से यूजर से इस वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। सीएससी ने जिन लोगों ने अप्लाई किया था यहाँ से आधार सेंटर ओपन करने के लिए सीएससी यूसीएल के थ्रू, उसके लिए उन्होंने एक नया लिस्ट जारी किया गया है। जैसा कि आप सबको पता होगा, न्यू क्रेडेंशियल लिस्ट जारी किया गया है, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा आप उसे कहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड, मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा, अभी तक आपने आधार सेंटर ओपन करने के लिए आपको पास मेल क्यों नहीं आया है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले चलिए हम जान लेते हैं सीएससी ने क्या नया अपडेट दिया है। यहाँ से फ्रेंड बताया गया है कि यहाँ से फ्री वेली आपका आधार यूसीएल क्रेडेंशियल बन गया है। आप अपने सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें और मशीन रेडी रखें। अभी सर्वर इशू होने की वजह से मशीन रजिस्टर्ड नहीं हो पा रही है, यानी फिर उनके सर्वर में कुछ इशू है जिस वजह से ये मशीन को रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। जैसे फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो यहाँ से आपको आईडी दे दी जाएगी। इनके द्वारा यहाँ से फ्रेंड बताया जा रहा है, जहाँ आप देख सकते हैं बताया जा रहा है आपका आधार यूसीएल क्रेडेंशियल जो बन गया है, आप अपने यहाँ से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लें, मशीन को रेडी रखें। जहाँ से आपको मेल अगर मिलेगा तो यहाँ से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए लिंक भी दी जाएगा। और यहाँ पर नीचे एक नोट दिया गया है जिन्हें यहाँ से इनके द्वारा बताया गया है कि सर्वर इशू अभी भी चल रहा है, वो अभी प्रतीक्षा करें। जैसे ही सर्वर पर कोई समस्या सही हो जाएगी, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, अगर वो प्रॉब्लम सही हो जाती है, आपकी मशीन को रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। यानी जो आपकी मशीन है वो आधार यूसीएल जो आपका क्रेडेंशियल बन गया है, वो मशीन को रजिस्टर्ड कर देंगे। लेकिन अभी आपको उनके द्वारा बताया जा रहा है वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर इनके सर्वर में कुछ इशू चल रहा है। आपको ऐसे वेट कर लेना जिन लोगों ने भी अप्लाई किया था, क्योंकि फिर आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे भी कमेंट करके पूछा था कि मुझे अप्लाई किए 5 महीने हो गए हैं या 6 महीने हो गए हैं। आपको फिर से बताना फ्रेंड, आपको अप्लाई किए कितने महीने हो गए, अभी तक आपको ऐसे यूसीएल आधार यहाँ से होकर नहीं मिल चुका है सीएससी के थ्रू। आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप में से कितने लोगों के पास सीएससी की आईडी, आप हमें इस वीडियो कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ से जो इनके द्वारा न्यू क्रेडेंशियल लिस्ट को यहाँ से जारी किया गया, जैसे फिर आप उसे डाउनलोड करेंगे तो इस प्रकार आपके से ओपन होके आ जाता है, जहाँ से आपको इस प्रकार सभी की लिस्ट आ जाती है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड आपको फाइंड करने के लिए करना क्या पड़ेगा, यहाँ से फ्रेंड आपको कंट्रोल प्लस यहाँ से आपको अल्टर दबा के आपको यहाँ से एफ प्रेस करना है, जिसमें इसके बाद आपको अपना नेम सर्च करना है, जो भी आपके यहाँ से नाम रहेगा। चलिए हम आपको दिखा दें, तो वहाँ से आपका नाम में भी आ जाएगा, जहाँ से आप अपना यहाँ से नाम देख सकते हैं। सभी के नाम में यहाँ से बताया जा रहा है किनका किनका नाम है जिनको अभी तक नहीं आया है। अगर फ्रेंड इस लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है, मैं आपको पहले चलिए बता देता हूँ आप लिस्ट को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से कमेंट बॉक्स के फ्रेंड आपको फर्स्ट कमेंट जब जाएंगे तो वहाँ से आपको पिन मिल जाएगा, यहाँ से लिंक आपको इसका मिल जाएगा। जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा क्रोम में जाकर इसे ड्राइव में डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से फ्रेंड आप चेक कर सकते हैं आपका नाम आया है फिर नहीं आया है। अगर इस लिस्ट में आपका नाम नहीं आया है और आपने अप्लाई किया था, आप क्या करना है चलिए हम आपको बता देते हैं। इसके लिए फ्रेंड आपको अपने डिस्ट्रिक्ट हेड से बात करना है कि आपका नाम क्यों नहीं आया, क्या प्रॉब्लम लगी, फॉर्म को रिजेक्ट क्यों कर दिया गया है, आप उनसे पता कर सकते हैं। इसके बाद अप्लाई करने के बाद फिर से उसे सुधरवा के अपना इसमें नाम ला के और यहाँ से सीएससी आधार यूसीएल आप बन सकते हैं। सो गाइज, ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो उनके द्वारा बताया गया। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप दे दिया हूँ। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स से जरूर करें। इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें चाहे इंस्टाग्राम के वहाँ पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया हूँ, और जितने भी नए नए अपडेट आते हैं इंपॉर्टेंट लिंक मैं आपको साथ ही साथ टेलीग्राम में भी शेयर करता रहता हूँ, आप जाकर ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड चैनल पर आप हमारे पहली बार आए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा ट्रस्टेड में हम यूजफुल वीडियो आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम
हमें मिलते रहते हैं जिसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। मजनू नेवी, जय हिंद, टेक केयर।